हेलो गाइस, फिर से हम एक और क्वेश्चन करेंगे डेसिमल पे। तो क्या क्वेश्चन दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ इज दिस। तो कितना दे रखा है 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट? 1 मीटर क्लोथ नहीं लिख रहा, इज इक्वल टू रुपीज 1168.75। ठीक है, लिख लेना अगर अच्छा वही सिस्टम चल रहा है तो, और टिक द करेक्ट आंसर वाला हो तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होती। तो 1 मीटर क्लॉथ की तो कॉस्ट ये हो गई। अब इसमें दे रखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3.20। अब ये जीरो की भी वैल्यू होती है, यहाँ पर जीरो जीरो दे रखा होता तब भी वैल्यू होती है। तो 3.20 मीटर की क्लॉथ की कॉस्ट निकालनी, तो इसे मल्टीप्लाई करना है सिर्फ रुपीज का 6.5 × 32 3.20। ठीक है, तो अगर मैं ये 10 100 नीचे रख लेता हूँ और इसका भी 100 नीचे रख के इसे ऐसे कर, ठीक है ये हो गया। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 32, और इसे इसे साफ के सामने ही मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, 75 और 32। ठीक है, तो 2 5 10, 10 का ऊपर गया 1, ये हो गया 14, 15, 15 का गया 1, 16, 16, 17 का 1 गया ऊपर, 12, 12 + 1 13, 13 का 1 ऊपर गया, 1 2 2 और ये 3, यहाँ पर हुए क्रॉस। 3 5 15, 15 का गया 1, 20 21 22, 2 गया ऊपर, 24 24 + 2 5। ठीक है, 20 25 हो गया ना, 20 8 8 × 20 तो 24 26 हो गया। ठीक है, 26, 26, ओके, तो 26 18 18 + 2 22 5, ओके, तो ये हो गया 5। अब इसे मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, 0 0, ठीक है, 0 0, और इसे ऐड किया 1 ऊपर गया तो 0, फिर 1 ऊपर गया 10 बन गया, तो 10 फिर से 10 1 4 5। ठीक है, तो आपकी वैल्यू का आंसर क्या होगा, 3.20 मीटर्स इज इक्वल टू 5 4 0 0 0 1 2 3 4, 4 0 अपॉन नीचे का जो 1000 था वो ले लो, ये हो गया आपका 1000। ठीक है, 1000 होने के बाद ये 3 0 कट गए, तो रुपीस कितना बचा, 5 4 0, ओके, तो यहीं पर ये डी एंड होता है। अगर कोई भी डाउट हो, मेरी कैलकुलेशन जल्दी जल्दी मैंने करी आपके सामने, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। ये भी यहाँ पर भी यूनिटरी मेथड लगा, आपको पता ही होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक पेन का दाम 5 रुपये है, तो 5 पेन का कितना होगा, 25 होगा, 5 5 = 25। तो वैसे यहाँ पर भी हुआ है, बस डेसिमल भी आपको आना चाहिए। सो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।